हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस तरीके का हाइलाइटर इफेक्ट काइनमास्टर में कैसे लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अपने यूट्यूब वीडियोस में किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप इस इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप अपने टेक्स्ट के पीछे ब्रश वाला इफेक्ट लगाना चाहते हैं सो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैं एक न्यूज़पेपर की कटिंग का टेक्स्ट को हाईलाइट करके आपको दिखाने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, अपने काइन मास्टर में हम एक लेयर को ऐड कर लेंगे, तो मैं यहाँ से एक लेयर को ऐड कर लेता हूँ। लेयर ऐड करने के बाद मैं उस पेपर की कटिंग को इंपोर्ट कर लेता हूँ। फ्रेंड, उसके बाद हम इस एनिमेशन की को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको ले जाके इसको मैं थोड़ा यहाँ से बड़ा कर दूँगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ से मैं इसको ओके कर दूँगा। देन उसके बाद हमको लेयर पर क्लिक करना है, और यहाँ से हैंड राइटिंग पर क्लिक करना है, और उसके बाद इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से इस बॉक्स को आपको सिलेक्ट करना है, और अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको कलर चेंज कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर लाइट कलर ही चूज़ करें ताकि वो देखने में अच्छा लगे। तो मैं यहाँ से इस कलर को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से इसको ड्रॉ कर लूँगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ से ओके कर दूँगा। उसके बाद मैं इसको उठा के यहाँ पर ले आऊँगा। देन हमको इसमें एनिमेशन देना है। एनिमेशन के लिए हम एनिमेशन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम वाइब राइड सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से ओके कर देंगे। और इसमें हम और एनिमेशन भी ऐड करेंगे, और यहाँ से हम वाइब लेफ्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हमको ब्रांडिंग में आना है, और यहाँ से आपको मल्टीपल सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से ओके कर देना है। तो फ्रेंड, चलिए हम इसको प्ले करके देख लेते हैं। सो फ्रेंड, इस तरीके का आप इसमें इफेक्ट लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि अपने टेक्स्ट के पीछे ब्रश वाला इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं कुछ लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ, और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो अब मैं इसके पीछे ब्रश वाला इफेक्ट कैसे लगाता हूँ तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो टेक्स्ट लिखने के बाद देन आपको लेयर पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको मीडिया पर जाना है। तो फ्रेंड, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। तो उसके बाद इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे ये ब्लैक है, तो इसका कलर हमको चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए हमको पिक्सल लैब ओपन करना है। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमको इसका कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है, और इसको यहाँ से एनेबल कर देना है। उसके बाद यहाँ से अपना पसंद का कलर यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो बैकग्राउंड है उसको हम ट्रांसपेरेंट कर लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। फ्रेंड, उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पर 3 वर्टिकल डॉट दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको सेंड टू बैक कर देना है। उसके बाद इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड, इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट के पीछे ब्रश वाला इफेक्ट लगा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।